हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी टेक्निकल नॉलेज। तो दोस्तों, यदि आप एक यूट्यूबर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और यदि आप एक YouTube स्टूडियो का यूज करते हैं तो YouTube स्टूडियो का फुल ट्यूटोरियल भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अपने YouTube स्टूडियो का यूज अच्छे तरीके से नहीं करते, जिससे आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे चैनल को प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप हमारा नाम नहीं जानते तो जान लीजिए, मेरा नाम इंद्रेश और आप हमारा यूट्यूब चैनल हैप्पी टेक्निकल नॉलेज को देख रहे हैं। हमारे YouTube चैनल पर आपको किसी भी प्रकार का नो ब्रेक नो फेक मिलेगा, तो दोस्तों परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब आप कभी भी अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने जाते हैं तो आप अपने YouTube से वीडियो तो अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद फिर YouTube स्टूडियो को ओपन करते हैं। YouTube स्टूडियो को ओपन करने के बाद उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, प्लेलिस्ट लगाते हैं और अपने थंबनेल को लगाकर सेव कर देते हैं। आप सोचते हैं कि मेरी वीडियो जो है अपलोड हो जाएगी और मेरा YouTube चैनल जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत में नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों आप लोग ऐसा करते हैं तो आपके YouTube चैनल पर कुछ दिक्कत भी हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता। ड्रगी 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 ड्रगी, अरे क्या ड्रगी, कहां के ड्रगी, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे, प्रमाण दो मुझे आज। अरे मैया, तू क्या देख रही हो? आपके YouTube चैनल में जो आपका YouTube चैनल जो होता है ग्रो नहीं होता है, जिस कारण तो दोस्तों YT स्टूडियो में जो होता है आपको बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से आपको नॉलेज नहीं होता। तो दोस्तों, YT स्टूडियो का फुल ट्यूटोरियल भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए और अच्छे तरीके से देखिएगा। जैसे जैसे तरीका मैं बताऊंगा वैसे तरीके को यदि आप फॉलो करेंगे तो आप पक्का सक्सेस हो जाएंगे, YT स्टूडियो में आपको पूरा नॉलेज भी हो जाएगा। तो दोस्तों, और मैं अपने वीडियो के अंत में एक ऐसे एप्लीकेशन का नाम बताऊंगा जिससे आप किसी भी चीज़ का रिचार्ज आसान तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा कैशबैक भी कमा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप लोग अपने YT स्टूडियो का यूज अच्छे तरीके से नहीं करते, जिससे आपके YouTube चैनल पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने YT स्टूडियो का यूज कैसे करें जिससे आपके YouTube चैनल जो हो ग्रो हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लीजिएगा। जैसे मैं अपने YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन में YT स्टूडियो को ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद अब यहाँ से दोस्तों आप क्या करते हैं, आप वीडियो यूट्यूब से अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ से क्लिक कर ऊपर साइड से एडिट करते हैं। एडिट के ऊपर क्लिक कर यहाँ से आप टाइटल लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ से पब्लिक करते हैं। पब्लिक के बाद यहाँ से सेलेक्ट एडिशंस करते हैं कि बच्चे देखेंगे कि उससे बड़े आदमी देखेंगे। आप प्लेलिस्ट यहाँ से लगाते हैं और टैक्स यहाँ से वगैरह लगते हैं और यहाँ से कैटेगरी वगैरह चूज करते हैं। दोस्तों, ये सब तो आप कर लेते हैं, सब आम बात होती है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ सेटिंग्स होती है जिसको आप नहीं जानते, जिससे आपका यूट्यूब चैनल जो होता है ग्रो नहीं हो सकता है। दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ से देखिए कंटेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए वीडियो आ गई। वीडियो वाले ऑप्शन के बगल में अभी एनी लिस्ट पे चले जाइए। जैसे ही आप एनी लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके देखिए व्यूअर्स दिख जाएंगे। जैसे ही आप ओवरव्यूज पे करेंगे तो यहाँ से आपके व्यूअर्स पूरे दिख जाएंगे और यहाँ से वॉच टाइम आपकी दिख जाएगी और यहाँ से आपके सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। दोस्तों, जितने भी वो होंगे जो आपके दिख जाएंगे, दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं। ये तो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर और वॉच टाइम देखने का हो गया। अब यहाँ से दोस्तों देखिए टॉप वीडियोज, यहाँ आप अपने टॉप वीडियोस को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने टॉप वीडियोस को भी देख सकें, जो आपकी टॉप वीडियोस हैं इस पर क्लिक करके यहाँ से 28 डेज के भी देख सकते हैं, लाइफ टाइम के भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी लाइफ टाइम की वीडियो जो है कितनी है जो अब टॉप वीडियो में आई है, दोस्तों यहाँ से तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं रियल टाइम, रियल टाइम का मतलब आपकी कितनी टाइम हुई है, आपकी वॉच टाइम कितनी हुई, यहाँ से तो आप रियल टाइम क्लिक कर यहाँ से आप रियल टाइम को तो देख सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी वीडियो पर चले जाएंगे, फिर यहाँ से दोस्तों आप अपने टाइम को भी देख सकते हैं। टाइम को देखने के बाद अब यहाँ से आप रीच पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपने रीच पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब है कि आप लोगों की वीडियो को, आप लोगों की वीडियो जो है कितने लोगों के यहाँ भेजी जा रही है, 16.7, इसका मतलब 16,700 लोगों के यहाँ आपकी वीडियो जो है भेजी जा रही है, उसमें से बस 4.7 लोग इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब है कि 4.7% लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं आपके वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद। अब उसके व्यूअर्स जो है मिल रहे हैं 6,500,
के व्यूअर्स। अब यहाँ से यूनिक व्यूअर्स जो है आपके रोज़ के जितने भी व्यूअर्स होते हैं वो कितने हैं, 6.1 के, इसके मतलब 6100 इसका मतलब 6100 जितने भी व्यूअर्स हैं आपके यूनिक व्यूअर्स हो गए ये सब। अब यहाँ से तो आप ये सब देख लिए कि इंप्रेशन थ्रू रेट और इंप्रेशंस। अब यहाँ से जैसे ही आप ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, ट्रैफिक सोर्स टिप्स आ जाएगा, यहाँ ट्रैफिक आपको कहाँ से मिल रहा है दोस्तों, यहाँ से आप इस ये यहाँ से दोस्तों ये पता कर सकते हैं। अब आप पता करने के बाद दोस्तों अब यहाँ से देखिए आपको टॉप, यहाँ से देखिए आपको टॉप यूट्यूब सर्च टीम, यहाँ से आपको टॉप यूट्यूब सर्च टीम आपको यहाँ से बताती है कि आपकी जो वीडियो ज़्यादातर कितने बार में सर्च कर गई है। लाइफ टाइम की भी आप देख सकते हैं, आप कहीं की भी देख सकते हैं, आपको जितने डेट की चाहिए यहाँ से देख सकते हैं। ये तो देखने के बाद अब यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप वीडियो सजेस्टिंग योर कनेक्ट, ये यूट्यूब आपको बता रहा है कि ये सब आपकी टॉप वीडियोज़ हैं। आपको यहाँ से टॉपिक भी फाइंड करने को मिल जाती है दोस्तों, यही सब हमको ध्यान देना पड़ता है। आप यहाँ से लाइव टाइम का भी देख सकते हैं और किसी भी दिन का देख सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों टॉप वीडियो सजेस्टिंग यू कनेक्टिंग। अब यहाँ से दोस्तों आप जब यहाँ से दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको वॉच टाइम दिखेगा और आप एवरेज बीज डिक्शन देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। एडिशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने एडिशंस को देख सकते हैं कि कितने साल से कितने साल तक के लोग आपको देखे हैं आपके वीडियो, ये जितने भी साल के लोग आपके वीडियो को देखें, यहाँ 39.8% के लोग ज़्यादातर लोग देखे हैं तो 18 और 24 ईयर्स के बीच में लोग देखे हैं, और यहाँ से ज़्यादातर मेल लोग आदमी लोग ज़्यादातर हमारी वीडियो को देखे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ज़्यादातर इंडिया के 21 देश के लोग ज़्यादातर आपकी वीडियो को पसंद किए, इंडिया ही देश के लोग, देखिए यहाँ पर बढ़ा है परसेंटेज। और ये यहाँ से देख सकते हैं वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर, जब सबसे ज़्यादा आपके नॉट सब्सक्राइबर आपके, देखिए ज़्यादातर नॉट सब्सक्राइबर से ही बढ़े हैं दोस्तों आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम, यहाँ से तो ये सब आप देख सकते हैं दोस्तों। आप यदि इसी तरह यही सब जो होता है यहाँ से आप कमेंट वगैरह अपनी देख सकते हैं और यहाँ से प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ अपनी देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह जो होता है अपने, यदि आप अपने YT स्टूडियो का यूज़ करते हैं और रोज़ अपने YT स्टूडियो में इतना समय देते हैं तो आप पक्का आपकी YT स्टूडियो जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर जाएगी, आपकी आपको अच्छे तरीके से YT स्टूडियो भी चलाने आ जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल जो होगा ग्रो हो जाएगा दोस्तों। यही देखिए सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों जो मैंने तरीका बताया यदि आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप पक्का YT स्टूडियो के मास्टर भी हो सकते हैं, मेरी 100% की गारंटी है। तो दोस्तों ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपके भाई के यूट्यूब चैनल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि आपका भाई रोज नई नई टॉपिक पर वीडियो भी लाता है और आपको पूरा पीरियड के लिए समझाता भी है। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम बता दूं जिससे आप जियो का रिचार्ज बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा कैशबैक भी मिलेगा और कभी कभी तो फ्री भी हो जाता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन का नाम है जियो पोस्ट प्लस, मैं इस ऐप की लिंक अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आसान तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यूज करने के बाद फिर अपने भाई को भी याद कर लीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको यह ऐप कैसा लगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, टाटा बाय बाय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।